नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से यूपी चुनाव टालने का आग्रह किया है। इस बीच बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने अगले साल की शुरुआत में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव स्थगित करने का संकेत दिए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल सितंबर तक के लिए टाले जा सकते हैं। स्वामी ने 24 दिसंबर को किए अपने एक ट्वीट में लिखा, ओमिक्रॉन को लेकर लॉकडाउन और यूपी में राष्ट्रपति शासन के तहत सितंबर तक यूपी चुनाव स्थगित करने के फैसले से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित ना हो। इस साल की शुरुआत में सीधे नहीं किया जा सकता था, वो अगले साल की शुरुआत में परोक्ष रूप से किया जा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट के जरिए ये कहने की कोशिश की है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए अगर केंद्र की मोदी सरकार लॉकडाउन लगाती है तो इससे हैरान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि स्वामी ने ये नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा दावा क्यों किया है। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दावा किया था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। लगभग सभी राजनीतिक दल बैनर पोस्टर के जरिए जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा सभी दलों ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है, तो वहीं बढ़ते कोरोना ने भी टेंशन बढ़ा दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।